दोस्तों, जैसे हम आप सबके लिए गवर्नमेंट सरकारी वैकेंसी की जॉब्स लाते रहते हैं, तो दोस्तों हम इस बार फिर आप सबके लिए लेके आए हैं गवर्नमेंट सरकारी वैकेंसी के अंदर SBI रिक्रूटमेंट। जी हाँ, जिसकी वैकेंसी का इंतज़ार हमारे सभी युवा दोस्त कर रहे हैं, तो हम वही वैकेंसी लेके आए हैं जिसका नाम है SBI रिक्रूटमेंट SBI कलर जॉब। तो दोस्तों, हम इसके बारे में डिटेल में आपको बताने जा रहे हैं जो SBI ने अभी रिक्रूटमेंट वैकेंसी जारी की है। तो दोस्तों, जैसा हम आपको बता दें, इसके अंदर हमारे पास क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए होती है, बैचलर डिग्री चाहिए होती है। वैकेंसी कितनी है, 5008 है। तो दोस्तों, 5008 बहुत अच्छी वैकेंसी है जो हमारे देश के युवाओं के लिए SBI ने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है, क्यों ना हम उसको एक ग्रैब किया जाता है। तो जैसे इसके दिखाया, इसमें जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया रहेगी। मतलब ये कि जो भी बंदा सिलेक्टेड होगा वो ऑल ओवर इंडिया के अंदर कहीं पे भी इसकी जॉब पोस्ट की जा सकती है। जी हाँ, ये दोनों मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए है। ये स्टार्ट कब हुई थी, 7 सितंबर 2022, और ख़त्म कब होगी, 27 सितंबर 2022 के अंदर। तो इसके अंदर सभी के स्टेट्स के कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं, वो भर सकते हैं जूनियर क्लर्क फॉर्म। एलिजिबल क्राइटेरिया आपको इसके डिटेल, इसके नोटिफिकेशन के अंदर आपको हम सारी चीज़ क्लियर वन बाय वन आपको समझाने जा रहे हैं। जैसे हम जानते हैं दोस्तों, ये कौन निकालता है, SBI निकालता है अपने खुद के बैंक के लिए, और बैंकों के लिए जो नेशनलाइज बैंक होते हैं उसके लिए हमारा IBPS निकाला जाता है, IBPS द्वारा निकाला जाता है। तो हम जानते हैं किस पोस्ट के लिए निकाला है, क्लर्क पोस्ट कितनी है, 5008, और इसका स्टार्ट डेट कौन सी, 7 सितंबर 2022, लास्ट एप्लीकेशन डेट कौन सी, 27 सितंबर 2022। ऑफिशियल वेबसाइट इसके अंदर हमारे नोटिफिकेशन लिंक के अंदर आपको मिल जाएगा। एलिजिबल क्या है, एलिजिबल ये है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। सैलरी, जी हाँ, सैलरी भी देखो भैया, एक अच्छा एक हमारा नेशनलाइज बैंक है, नेशनल बैंक है, तो ये इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी होती है, काफ़ी लोगों को अट्रैक्टिव करती है। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से सैलरी का कोई नो इशू, बहुत बढ़िया सैलरी ऑफ़र करती है। मिनिमम एज आपकी 20 होनी चाहिए, मैक्सिमम 28 होनी चाहिए, और ये कैंडिडेट्स की कब तक ये जो स्केल है एज का, वो कब तक देखा जाएगा, भाई वैलिडेट है कब, 1 अगस्त 2022, ठीक है। और इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे ST SC वालों को 5 ईयर का है, OBC को 3 है, जो एक्स सर्विस मैन होते हैं, चाहे वो आर्मी हो, चाहे कोई भी अपने डिफेंस सर्विसेज हो, चाहे कैसे आपके पास होता हो, तो आपके पास 3 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस भाई, इसमें 2 होते हैं, एक प्री और एक मेंस होता है, और मेन के बाद आपके पास फाइनली एक टेस्ट, आपको लोकल लैंग्वेज भी सिलेक्ट करना पड़ता है जिसके आपके पास टेस्ट देना पड़ेगा। एक SBI की फ़ीस कितनी होती है, जैसे हम जानते हैं कि 750 रुपये की फ़ीस होती है जनरल वालों के लिए, और बल्कि OBC, EWS, ST, OBC, PWD, ESM, DESM कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ीस नहीं है। अब थोड़ा सा हम पोस्ट डिटेल भी देख लें। जी हाँ, 5000 पोस्ट है। तो सबसे पहले देखा जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी 243 है, OBC 1165 है, EWS 490 है, SC 743, ST 467, और टोटल 5008 है। भी एग्ज़ाम पैटर्न जैसे आपको हमने बता दिया, आपका एग्ज़ाम पैटर्न 2 तरीके से होगा, प्री और एक मेंस होगा। प्री के अंदर देखो कैसे देखा जाता है, आपके पास वो पेपर का 3 सेक्शंस होते हैं, आपको उसको पेपर देना होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है और 100 मार्क्स होते हैं। उसके बाद भाई आपका जो पेपर होता है इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नेगेटिव मार्किंग के बाद आपके पास इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स होते हैं, उसको आपको कैटेगराइज, आपके पास पास करना कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स, टोटल आपको बस एक आपको कुल मिला के टोटल पेपर क्लियर होना चाहिए, कोई इंडिविजुअल क्लियर मार्क्स नहीं है। भाई देखो, पेपर में क्वेश्चंस कितने तरह से आएंगे, इंग्लिश, भाई इंग्लिश थोड़ी सी आपके देखा जाए तो एक जनरल एबिलिटी इंग्लिश होती है, मेरे ख्याल से कोई हार्ड लैंग्वेज नहीं है। आपको थोड़ी सी इसकी एक बुक आती है, आपको उसको फॉलो करते हुए जाना है बढ़िया तरीके से, कोई हार्ड मार्क्स नहीं होते हैं। पर आपको एक चीज़ बताऊँ, जो इंग्लिश की जो लैंग्वेज है यही मेरिट डिसाइड करती है। न्यूमेरिकल एबिलिटी भाई बहुत इजी है, इसको हम आराम से कर सकते हैं, स्कोरिंग मार्क्स है। रीजनिंग स्कोरिंग मार्क्स है, बस थोड़ा सा हम कोई पजल्स को छोड़ के हम अच्छा स्कोर करें तो बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। तो भाई ये हमारे पास पूरी स्ट्रेटजी है, आप लोगों को बनानी पड़ेगी आप कैसे पेपर क्लियर करते हो। दूसरी बात दोस्तों, इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, भाई जैसे हमने आपको बता दिया ये वेबसाइट है, इसके ऊपर जाना है, जिसका ये रही आपकी वो वेबसाइट, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास ये वेबसाइट का लिंक ओपन हो जाएगा,
आप यहाँ की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे। जैसे देखिए अभी आप दोस्तों देख सकते हो ये आपके पास वेबसाइट्स आ गई है, आपको यहाँ जाके इसको अप्लाई करना है। पूरा नोटिफिकेशन अगर आप जाके देखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन यहाँ मिल गया, आप इजीली इस पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। जैसे मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लो है आप देखेंगे तो पूरा नोटिफिकेशन आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे दोस्तों आप देख रहे हो आपकी मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर नोटिफिकेशन ओपन हो गया है। जी हाँ, ये वो वैकेंसी है जिसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं और SBI ने अपने खुद ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसको जारी कर दिया गया है। देख लीजिए इसकी जो फीस है, जो भी पेमेंट्स हैं, 7/9/2022 से 27/9/2022 तक ही चलेगा। आपको अपनी रेगुलर वेबसाइट्स पे ये दोनों लिंक दे रखे हैं और आप चाहो तो इन वैकेंसीज़ को यहाँ पे अपने सर्कल्स में जाके चेक कर सकते हो कि मेरे कौन से सर्कल के ऊपर करना है, कौन सी वैकेंसी मेरे लिए कहाँ पे रहेगी, कौन सा सेंटर रहेगा, आपको यहाँ जाके इसको भरना है। दोस्तों एक रिक्वेस्ट और है, जो भी फॉर्म भरो बहुत ही ध्यान से और सोच समझ के भरना। जैसे एज रिलैक्सेशन दे दिया, देखा आप आराम से आप पढ़ सकते हैं इसे, 5, 3, 10 PWD ST OBC जो भी एक्स सर्विस मैन है उनका कैट, जो हम ऊपर भी डिसाइड देख चुके हैं, नीचे और भी दे रखा है। आप इस चीज़ को पूरा आराम से पढ़ना, बहुत बड़ा नोटिफिकेशंस है। दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं हम इसको हम पूरा नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं, कोई पॉइंट है हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं, दोस्तों आप कभी भी आप कमेंट सेक्शन में डाल के इसको आप कर सकते हैं। जैसा भी आप देख सकते हैं, देखो पूरा नोटिफिकेशन हमारी स्क्रीन के ऊपर है। आपके पास एग्ज़ाम ऑफ मीडियम, आप सब देखो इसने ये भी मेंशन कर रखा है कौन कौन सी लैंग्वेज में हम मेंशन कर सकते हैं। मेनली हिंदी इंग्लिश तो कंपलसरी होता ही होता है, हमारी दूसरी भाषा ऑप्शनल होता है, ठीक है। आप लोग देख पा रहे हैं इस चीज़ को, फाइनल सिलेक्शन देखो वही आपको मैंने बता दिया कैसे होता है। पोस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन क्वालिफिकेशन टेस्ट देना पड़ेगा, रेस्ट आपको उसके पास करना पड़ता है। ये वेटिंग लिस्ट, हाँ इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। जैसे मेरे पास कई दोस्तों का जवाब आता है, सर हम पेपर पास नहीं हुए थे, बाद में SBI ने हमें कॉल किया है। भाई दोस्तों याद रखना, कुछ हमारे यहाँ वेटिंग लिस्ट भी तैयार होती है, इस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे। कॉल लेटर किस तरह से आपके पास आएगा, एक प्री के लिए आता है, एक मेंस के लिए आता है। देखो उसने पूरा अपना डेट भी डिसाइड कर रखी है, 29/10/2022 तक इसकी डेट है, ऐसी जनवरी तक है। आपके मेन आपका एग्ज़ाम कब होता है, आपको किस तरह आपको क्या क्या लेके जाना है। कैंडिडेट्स को टू एडिशनल फोटोग्राफ रखनी पड़ती है ताकि आपके पास जब वहाँ पे जो एग्ज़ाम लेने आपके पास जो टीचर आता है वो आपसे वहाँ पे अपनी वहाँ पे फ़ोटो भी पेस्ट कराता है, आपको साइन भी करने पड़ते हैं। ID प्रूफ आपको उस टाइम अपने पर रखना पड़ता है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है जहाँ पे थंबनेल लिया जाता है, और आपके पास कैंडिडेट जो भी हो कोई कैंडिडेट आपको मिलता है कि वो उसने कुछ घपला किया है, उसकी इमेज नहीं मिल रही, कोई दूसरा आदमी पेपर दे रहा होता है, तो भाई सीधी बात है उस पर सारी कंडीशंस आपके पास से लागू की जाएगी। मोबाइल फ़ोन्स और यहाँ के कैलकुलेटर्स अलाउ नहीं होते हैं जैसा आप देख चुके हैं, और ST SC वालों की फ़ीस भी इसने बता दी, कोई फ़ीस नहीं है। हाउ टू अप्लाई देखो वही इसने पूरी प्रोसेस दे रखी है, आपको हम डिस्कस कर चुके हैं। जो भी आपकी कोई दिक्कत लगती है आप इसके अंदर हमसे पूछ सकते हो, हम आपके लिए एक नया वीडियो और जनरेट कर देंगे जिसके अंदर SBI फॉर्म को कैसे फुलफ़िल करना है, हम आपको ये भी सारी चीज़ बता देंगे। दोस्तों देखो ये सारी है, आप इसको पढ़ लेना, अच्छी तरह के समझ लेना, फिर भी हमारे किसी दोस्त भाई बहन किसको भी कोई दिक्कत आती हो वो हमको कुछ भी कभी भी मैसेज डाल के हमको पूछ सकता है। हम आपके लिए पूरे हम आपका 24/7 अवेलेबल्स हैं। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप देखोगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी जुड़ सकते हो। एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इस पे आओगे तो आप हमारे पास टेलीग्राम के ऊपर भी आप कनेक्ट हो सकते हो, जहां आप हमसे सीधे सवाल करोगे हम इसका आपके पास पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों हम आपसे विदा चाहेंगे, हम आपके लिए नई नई वैकेंसीज लाते रहेंगे। तो दोस्तों आप लोग भी हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप और इन पे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही पहुंचे, ताकि कहीं आपकी नोटिफिकेशन निकल ना जाए और जॉब आपके हाथ से चली ना जाए। तो दोस्तों थैंक यू हमारे यूट्यूब चैनल को वॉच करने के लिए अगेन।